सर, केआरके ने पठान मूवी के ट्रेलर को बुरी तरह से क्रिटिसाइज किया है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? टट्टी कर दी है साला, चूतिया है, एक नंबर का भोसड़े वाला। हाँ, मतलब अच्छा। उसको कुछ आता जाता कुछ आता जाता है नहीं, ये बात अच्छा, सही अच्छा। है। नहीं, मैंने केआरके की वीडियो देखी, उसमें बोल रहा था कि मतलब इसके वीएफएक्स वगैरह मतलब बेवकूफ जैसे, इसने जो शाहरुख खान है उन्होंने घर बैठे पूरी शूटिंग कर लिया है। मतलब कि उनका कहना यह है कि पिक्चर जो भी वीएफएक्स की बनती है वैसी बननी नहीं चाहिए, मतलब कि वीएफएक्स अगर है पिक्चर में तो पिक्चर किसी मतलब की नहीं, के आगे का सीधा सीधा कहना ये था। अच्छा। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि मतलब पिक्चर वो जो है शाहरुख खान ने 2013 के बाद कोई हिट मूवी नहीं थी, तो मेरे हिसाब से तो भाई उनकी हैप्पी न्यू ईयर गलत है, न्यू ईयर है, डियर जिंदगी आई है, डियर जिंदगी है, दिलवाले सुपर हिट हुई है, सुपर हिट गई है और हिट गई है। हाँ, तो नॉलेज कहाँ गया, बस गूगल में जाके देख ले एक बार। बस उसको यह है कि किसी भी बॉलीवुड फिल्म को रोस्ट करना है, मतलब कि अपने व्यूज छापने हैं, उसका मैटर ये करता है। ऐसे उसने बाहुबली फिल्म को भी कहा था कि डिजास्टर जाएगी, ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर रही है भाई बाहुबली। भाई के अंदर टट्टी लैटरिंग नहीं है लगता है भाई, प्रधानमंत्री आवास योजना में आता है बनाने के लिए, भाई बनवा ले कभी तो होगी, वही जाके टट्टी करे तो केआरके का भाई कुछ नहीं, केआरके ज़्यादा बेटर है वहाँ पे टट्टी करते हुए। केआरके बस वो यही मतलब भाई का कहना यही है कि केआरके यूट्यूब पे हल्का है व्यूज के नाम पे, और कुछ नहीं, ये सीधा सीधा लगा। बाकी हमें ट्रेलर का बहुत ज़्यादा अच्छा लगा है, और उनका जो डायलॉग था, नहीं भाई देखो भारत माता के लिए एक नंबर का था, और खासकर जो सोल्जर्स के लिए उसने। और 25 जनवरी को मूवी आने वाली है, तो क्या रिएक्शन होगा 26 जनवरी को बताइए। ज्यादा है और एक्साइटेड इसलिए भी है क्योंकि इसमें भाई सलमान खान आने वाला है, मतलब एज अ टाइगर ऐसा लग रहा है, और ऐसा लग नहीं रहा, कंफर्म है, मतलब लाइव में उन्होंने बताया था, और बस कंफर्म उनका नहीं, क्या कहते हैं ऋतिक रोशन का। लेकिन अगर वो जैसे कि स्पाई यूनिवर्स नाम है पिक्चर का, तो उसमें भाई वॉर और ये क्या कहते हैं टाइगर जिंदा है, और ये क्या कहते हैं जो अभी पठान का ट्रेलर आई है, सभी पिक्चर मिक्स होंगी स्पाई यूनिवर्स के नाम पे, तो भाई उसमें तो सब देखेंगे ना, तो हो सकता है, हो सकता है कि हमें इस फिल्म में कैटरीना भी देखने, क्योंकि भाई अगर टाइगर रहेगा तो हंसुए तो रहेगी ना, वो तो टाइगर में तो देखो कि टाइगर में जब टाइगर भागता है तो कैटरीना साथ में रहती है। अब वो सलमान खान अकेले थोड़ी मूवी बनाएगा, कैटरीना को लेकर भागेगा। बाकी ट्रेलर में जिस तरह से व्यूज आ रहे हैं, जिस तरह से लाइक्स कमेंट्स आ रहे हैं, क्या लगता है मूवी ब्लॉकबस्टर जाएगी? मूवी तो छोड़ो, अभी ये जो ट्रेलर है यही ब्लॉकबस्टर हो जाएगा। अच्छा, ट्रेलर सारे रिकॉर्ड तोड़ेगा, मूवी तो फाड़ने वाली है पूरी तरह से। बॉयकॉट गैंग के बारे में आप लोग क्या कहना चाहेंगे? बॉयकॉट गैंग को हो गया, देखो बॉयकॉट जो बॉयकॉट गैंग है ना, उनको भी ट्रेलर के बाद कोई भी मतलब एक ऐसा पॉइंट नहीं मिलने वाला जिसकी वजह से वो लोग पठान को रोस्ट कर पाए। देखो पठान को कह रहे थे कि पठान के नाम पे भाई रोस्ट, मतलब पठान का नाम गलत है, तो चलो ठीक है, वो आपकी पर्सनल खुन्नस, आप क्या कह रहे हो, ठीक है, इसने देशभक्ति के लिए कुछ अच्छा किया, मतलब जो स्टोरी देशभक्ति के ऊपर है, क्यों पठान मूवी में जो अभी ट्रेलर में जो डायलॉग आया है उसको देखने के बाद जो बॉयकॉट है ना, वो भी एसआरके के फैन बन चुके होंगे, वो भी पक्का बॉयकॉट ना करके वो पिक्चर देखने जाएंगे, कहने के उसका वो भाषण भी उठाएंगे। हाँ, क्योंकि डायलॉग यूज करेंगे अपने। अगर आप इंडियन हो और अगर इंडियन फिल्म को अगर वो नहीं करते हो, करते सपोर्ट नहीं करते, तो आप क्या है, आप सच्चे देशभक्त थोड़ी हो, आप किसी भी मतलब उसमें पर्सनल अपना देखो न, शाहरुख खान ने कोई उस तरह का स्टेटमेंट दिया जिस तरह से आमिर खान ने दिया था, ठीक है कि भाई आप लाल सिंह चड्ढा को वो कर दो, मतलब जिस लाल सिंह चड्ढा को होते, शाहरुख खान ने ऐसा कुछ स्टेटमेंट नहीं दिया है कभी, कुछ गलत स्टेटमेंट, मतलब उसका बैकग्राउंड क्लियर है और उनका भाई क्लियर है, ये तो मेरी पिक्चर आने से पहले वैष्णो देवी पहुंच गए, सबका सम्मान करते हैं, और एसआरके का जितना स्टारडम है तो सबको पता है। और एक बात की जब मतलब जितने भी अभी तक 2022 में फिल्में बायकॉट हुई हैं, तो उनको कहा गया कि जनता ने बायकॉट किया, मतलब पब्लिक ने बायकॉट किया। हाँ। लेकिन जब एसआरके गए पठान को लोग बायकॉट किए कलर के नाम पे, मतलब दीपिका पादुकोण की बिकनी के नाम पे, तब पता चला कि भाई जनता बायकॉट नहीं कर रही, बायकॉट गैंग उनको अलग कर दिया गया है कि भाई बायकॉट गैंग अलग है जो भड़काती है पिक्चरों को लेकर, नाम को लेकर। तो मुझे तो नहीं लगता कि एसआरके के स्टारडम में कोई फर्क पड़ेगा, वो पिक्चर ना भी देखेंगे तब भी पिक्चर सुपरहिट होगी, सुपरहिट नहीं बल्कि ब्लॉकबस्टर होगी। अच्छा अच्छा, तो आप लोग जाएंगे मूवी देखने? बिल्कुल जाएंगे, कहने जाएंगे। अच्छा है कि नहीं? चलो थैंक यू।